हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सहयोग था फौजी, जो कि आज मुझे 7 रोज हो गए तुम्हारे गांव में, वरना मेरी स्तुति नहीं थी कथा करने लायक, फिर भी आप लोगों की मैं टूटी फूटी जैसी बाणी थी सेवा करता रहा हूं। आफत नगला में मैं पहले भी कथा कह गया, परिचय जी मेरा तुम्हारा संयोग था, वरना एक्सीडेंट के बाद में स्तुति इंसान की अच्छी नहीं रहती महाराज है। जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, नई जिंदगी तो। और जितने भी मेरे सुनने वाले कथा वाले मेरे चैनलों पर जुड़े हुए हैं, चाहे सचिन स्टूडियो हो, चाहे मेरा सनी धमाका स्टूडियो हो, मेरा उन सभी से कहना है इस विदाई के माध्यम से, विदाई गीत के माध्यम से, जनवरी के बाद में ये फरवरी में मेरा पहला कार्यक्रम है, वरना में इस जनवरी और फरवरी में 10-15 भागवत कहता हूं, क्योंकि एक्सीडेंट होने के कारण मैं कथाएं नहीं कह पाया हूं, वो इस कथा के माध्यम से मैं सूचित कर रहा हूं। अब मेरा स्वास्थ्य पूर्ण तरह से सही है, नई जिंदगी तो पवन उड़ाई, अब के बिछुड़े कब मिले, कई दूरी बसी के जाई। आफत नगला ने, मैं नाम सबके नहीं जानता हूं, लेकिन बीरेस भैया सभी भक्तों ने बहुत प्यार दिया है, जितना प्यार मुझे आफत नगला में मिलता है इतना मुझे अतरौली क्षेत्र में कहीं प्यार नहीं मिलता। बहुत मान सम्मान करते हैं आफत नगला वाले, पीछे मंजेश जी भी कथा कह के गए थे, लेकिन लोगों ने कथा के माध्यम से मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया था। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो आज मांग रहा हूं, एक एक बुराई सभी मुझे दक्षिणा में देके जाएं, यही पांडाल में छोड़ जाएं, ये मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा है। यही सबसे और ये कार्यक्रम फौजी, पंडित फौजी उनके यहां पर हुआ है, सभी गांव ने ढेर सारा सहयोग किया है इस कार्यक्रम में, रुपया पैसा भंडारे आदि से पूरा गांव सहयोग कर रहा है फौजी के लिए, और कल विशाल इसका भंडारा भी होगा। जोगी बहता पानी, आज हम यहां पर हैं, कल कहीं और होंगे, इनकी
सबसे यही सबसे अनुरोध हमारा, यही सबसे अनुरोध। और हमारे वीरेश भैया की आंखों में आंसू हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह प्यार देते हैं। ढेर सारा नरेंद्र भैया और भी हमारे भैया बंद हैं जिनके कमरा में हम रह रहे हैं। संजू भैया के में बहुत मान सम्मान किया है क्योंकि इस समय मेरे पैर में फ्रैक्चर है और बहुत मैं परेशान था, लेकिन उस घर में किसी बात की कोई कमी नहीं रही है। पूरे गांव ने और मेरे भैया कुछ नौजवान है, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, रोज पहुंच जाते हैं टाइम से पहले। आपने मुझे सहारा दिया है, भगवान आपको सहारा देगा, क्योंकि कहा है कथा के रसिक बंधु, डाली है हरी भरी तो फूल फिर भी खिलेंगे, अगर कृपा रही बंसी वाले की तो आफत निकला वाले सत्यम जी फिर भी मिलेंगे। ये कुछ मेरे बच्चों का ऐसा भाग था फौजी, जो आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हूं। जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरी गाड़ी 60 और 65 के बीच में थी, मेरे से कम जाके लगभग काफी दूर मोटरसाइकिल निकल के गिरी, जो तो बढ़िया है मेरा नॉर्मली फ्रैक्चर हुआ है, मुझे होश नहीं था। तो ये बच्चों का आशीर्वाद है और बच्चों का भाग जो आज मैंने तुमको 7 दिन कथा सुनाई है। रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा, रही जिंदगी तो भैया समझ के क्षमा करें, बड़ी बूढ़ी माताएं अपना बेटा समझ के क्षमा करें, भाइयों से कहना है अपना भाई समझ के क्षमा करें। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का विष्ण को घट गई जब भृगु ने मारी लात। छोटों का कार होता है गलतियां करना, बड़ों का कार होता है उन गलतियों को क्षमा करना। और सभी से मेरा कहना है, अंतिम विदाई में आपसे सभी से राधे राधे जयगोपाल की कह रहा हूं। पूरे मंडल की तरफ से कोई गलती हुई हो तो आप लोग सभी क्षमा करें। रही जिंदगी।